without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told. आज बहुत ठंडा है ना, मैं बाहर जा नहीं पाई क्योंकि मैं लेट उठी, तो आज रमेश ही पानी डाल रहा है गार्डन में और मेरा ये चल रहा है गर्म पानी और बंद गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो बंद गोभी काट रही हूँ। डाल दो सब में, पता नहीं अब कब तक पानी नहीं डलेगा। अरे इतना थोड़ा लेट हो रहे हो, और इधर लहसुन और वो भी है देखो, इधर कोने में लहसुन और दो जगह देखना गीले गीले है वहां पे, मैंने वो लगा रखा है, उधर भी लगा दे, उधर भी डाल देना। शोर सुनाई दे रहा है, लड्डू को कपड़े पहनाने पहना देना, रमेश ABCD रिवाइज करवा रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं एक हफ्ते के बाद पीने जा रही हूँ चाय गर्मा गर्म, एक हफ्ते के बाद, क्योंकि आज ना आज भी बहुत ठंड है, 3 दिन हो गए ठंड लगातार, तो मैंने बोला आज चाय पी लेती हूँ। और मैंने आज सुबह सुबह ही एक रोटी ले ली है और सुबह बंद गोभी की सब्जी बनी थी, तो मैंने बोला वाई नॉट, चल आज जब चाय पी ली तो कुछ अलग नहीं बनाती हूँ। एक्चुअली ठंड इतनी है ना, हाथ चल ही नहीं रहे हैं और गला भी नहीं चल रहा है, अजीब बात तो ये है, गला भी नहीं चल रहा, वो भी अटक रहा है अंदर अंदर। मैं लेने की आई थी, अच्छा हाँ मैं अपना मोबाइल स्टैंड लेने आई थी, यार इसके बिना काम नहीं चलता किचन में, मैं जब भी काम करती हूँ, और एक ये लोग लाइट नहीं बंद करते, सुबह सुबह इतनी लाइट जला के क्या करना है भाई। मैं भी नाश्ता करती हूँ, और आज तो मैं सच में नाश्ता करने के बाद लग जाऊंगी काम पर, बिग बॉस देखूंगी बाद में, क्योंकि मेरा आज एडिटिंग का काम नहीं हुआ, कल रात को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ गई, ठंड थी ना एक्चुअली इस वजह से ही, तो मैं आलस कर गई, तो अभी एडिटिंग भी करूंगी, फिर अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लगता है, अपलोडिंग भी आज शायद लेट हो जाएगा मेरा व्लॉग। चलो मैं जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ, लगती हूँ काम पर, बहुत टाइम लग गया एडिटिंग में, फटाफट से करके अपलोडिंग में लगा के अब भाग रही हूँ लड्डू को लाने के लिए। डेली क्लीनिंग में इतना टाइम लग जाता है क्या बताऊँ, आजकल मेरे व्लॉग ही शुरू हो रहे हैं 1-1 बजे, अभी मैं फटाफट जाती हूँ लड्डू को लेके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, है ना। मैंने लड्डू को बोला चल रोटी खाते, नहीं पहले ये खाना है, धूप में आ जा, धूप में बैठेंगे, आ जाओ
धूप में देखो। हाँ देखो धूप अच्छी आ रही है बेटा, अच्छी आ रही है। मेरे को भी एक दे दो, ये वाला ही दे दोगे? मैं धूप आज लेट निकली है लेकिन धूप अच्छी है। धूप की ज्यादा तारीफ करती देखो हवा आने लगी। तारीफ इसलिए किसी की नहीं करनी चाहिए, देखो धूप भी है हवा भी है। उस दिन जो हमारे यहाँ पे फेंसिंग करने आए थे ना गार्डन की, वो ना छोटे छोटे ऐसे वो लेके आए थे, पौध लेके आए थे, जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उनकी पौध लेके आए थे। तो मैंने शायद आपको दिखाया ही नहीं, मैं दिखाती हूँ देखो। ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, तो कह रहे थे कि अलग अलग लगाओ उसमें, मतलब फ्लावर्स आते हैं, लेकिन मैंने एक साथ लगा दिया क्योंकि मेरे पास प्लांटर की कमी थी और ये डालिया। बट ये बहुत छोटा है, पता नहीं कब तक इसमें फ्लावर्स आएंगे, तब तक तो सीज़न ही निकल जाएगा। बट मैंने लगा दिया, ये भी वही है जो पहले वाले प्लांटर में था, ये भी वही है, लगा दिए बहुत सारे एक साथ। यहाँ पे डालिया है, यहाँ पे भी डालिया है, दोनों एक साथ लगा रखे हैं। तो मेरी तुलसी जी इसमें तो अभी कोई फ्लावर नहीं आएंगे, ये तो गर्मियों में ही आते हैं। और ये दोनों में एक साथ दिख गई थी और इसमें देखो भर भर के फ्लावर्स है। और ये तो अप्रैल तक आते हैं क्योंकि मैंने ये पहले भी लगा रखा है ना, अप्रैल तक आते हैं इसमें फ्लावर्स। और ये अभी ना ज़्यादा जैसे ठंडी है तो धूप के चक्कर में मैं बाहर रख देती हूँ, होता ये इंडोर है वैसे, तो ये अभी ठंड ठंड में बाहर रख दिया। ये पता नहीं कौन सा है। और ये देखिए कल मैं आपको रोज प्लांट दिखा रही थी ना, कितना अच्छा उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। ये तो लेकिन मैंने गमले में ही रखा हुआ है, लेकिन इसमें इतने सारे स्टेम्स भी आ गए हैं और फ्लावर्स भी देखो कितने सारे आ गए हैं। ये देखो ये कली है आ रही है छोटी सी, ये आ गया एक, ये आ गया, ठीक है ये चार, और ये पाँच, छः, सात और आठ, ठीक है। और एक तो मैंने मंदिर में चढ़ा दिया था। और देखो ये नए नए वो आ रहे हैं, तो यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा कर रही है मेरे दोनों रोज़। और ये तो सिंगोनियम, इसमें भी डालिया, ये गेंदे हैं शायद, और बीच में कुछ अलग है, बीच में ना कुछ ऐसे देखो कलरफुल से लीव है, जैसे कि इसमें है। इसमें भी दोनों वैरायटी मैंने लगा रखे, एक ही उसमें, बाकी ये छोटे छोटे से मनी प्लांट, मतलब छोटे छोटे लीफ वाले। और एक मेरा सेंसेवेरिया, एक अंदर ले गए किचन में। तो ये है प्लांट्स, मैं उन लोगों को बोल भी रही थी भैया यार पहले ही ला देते, अब तक तो फ्लावर्स आने लग जाते। ओ बेटा पहन लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। और कल मैंने रमेश के लिए एक जैकेट ली थी ना, क्योंकि अच्छी थी लेकिन यहाँ यहाँ से थोड़ी खुली थी, बॉर्डर नहीं रहा, तो उसने चेक कर दिया, लूज़ लूज़ लग रहा था उसको। रमेश को मतलब फिटिंग ज़्यादा सही रहता लगता है, और फिटिंग नहीं होती तो वो नहीं रखता, तो वो तो मैंने रिटर्न पर डाल दिया, रिटर्न हो भी गया। उसके बदले एक और ऑर्डर किया है, वो जब आएगा आएगा, लेकिन मैंने कहा था ना मैंने दो ऑर्डर किया है, तो दूसरा ऑर्डर किया है जो कि पैटर्न सेम है, बट मुझे लगता है ये फ़र्क होगा, ये मुझे लगता है रमेश रखेगा, देखना ये अच्छा है। इसका कलर ना बड़ा प्यारा है, इट इज़ नॉट पिंक, इट इज़ नॉट वरून, इट इज़ नॉट रेड, थोड़ा अलग है, पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा है बट अलग है। और ना इसका जिप, ये जो ये है ना ये जिप, ये भी अच्छा है, स्ट्राइप
में आ रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी इसका स्लीव ऐसा ही है, आगे बॉर्डर वाला नहीं है जैसे वो चाह रहा था, तो ये इस टाइप का है कुछ। तो रमेश का तो आ गया, मेरा अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा करती हूँ रमेश को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। ये तुम्हारा है, ये पता है, ये मतलब बॉर्डर वाला नहीं है बट मुझे लग रहा है ये फिटिंग है। इसका जिप भी बहुत अच्छा है। वो कैसे खेल रहे हैं ये प्लास्टिक वाला प्लांटर भी ये लोग धकेल धकेल के लेके आए हैं, सोचो। डी मार्ट से ना लड्डू के लिए मतलब थोड़ा बहुत बिस्किट लेके आते हैं, तो ये वाला बिस्किट लेके आए थे ब्रिटानिया का 50-50 मस्का चस्का। और इसका यार टेस्ट इतना अच्छा है ना, और ये दिखने में भी कुछ ऐसा है, इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। Your attention, can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and अभी दो चाय पता है क्यों बनाए थे? आंटी आई हुई थी, मैंने आंटी को बोला था कि आंटी जरा मशीन देख लोगे कि मेरी ये स्विंग मशीन ना चल नहीं रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन उन्होंने देखा लेकिन ना इस हैंडल में प्रॉब्लम है। ये पता नहीं यहाँ से ना ये टूटा हुआ है या क्या है, ये मतलब पुश ही नहीं कर पा रहा इसको, तो ये मुझे लग रहा है कि मार्केट में ही लेके जाकर दिखाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें भी है जो मुझे करनी थी लेकिन ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। और इसका ये कवर देखो इतना गंदा है, इसको धो के लेके आती हूँ मैं। लो जी एकदम चमक गया, एकदम नया जैसा। अरे लग जा भाई, लग जा लग जा लग जा, लग जा लग क्यों नहीं रहा, लग गया लग गया लग गया। इसको ठीक कराऊंगी जल्द से जल्द। जो आंटी आई थी ना ये मेरे लिए लेके आई है सनफ्लावर के सीड्स, कहती थी अपने गार्डन में लगा दियो, बहुत सारे प्लांट्स लाती रहती है मेरे लिए। अब जब गार्डन की बात हुई तो एक बार गार्डन घूम के आती हूँ, सुबह से नहीं गई और नहीं जाती हूँ ना तो मन सा नहीं लगता मैं जब, और वैसे भी कोई काम नहीं है, थोड़ा गार्डन ही घूम के आ जाते हैं। क्यों भाई yesterday, your smile, your style so fly, my oh my, as time stood still I got the urge to steal a kiss and so I did, now I'm embarrassed but just a little bit, oh there must be gold on रमेश के ना दोनों जैकेट आ गए, जो रिटर्न किया था उसके बदले पे जो मंगवाया था वो भी आ गया और जो आनी थी वो भी आ गई। लड्डू ये देखो कितनी सुंदर है।
स्टाइल अच्छा लगा वैसे सही है। अब थोड़ी बोली थी आप लाइक फोर हो गए तो रहेगी यार, अब या तो फिर लूज ले लो कहीं टाइट नहीं। फिर लूज में दोबारा फिर तुम रिटर्न कराते फिरते हो। गंदी नहीं होगी जल्दी? नहीं कलर होगी तो होगी, कलर अच्छा है बड़ा लग गया। चलो दूसरा चेंज करो। स्टिचेस अब हटे हुए हैं। क्या हुआ है? हटे हुए हैं, कट हो जाएगा। पहन के देखो चलो। ऊपर की तरफ भाग रही है क्यों? सही है तुम रह लो। अब जो रिटर्न करना है खुद रिटर्न करो, मुझे नहीं पता। तो अभी ये आधा घंटा एक घंटा और चलने वाला है, तो मैं करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड और होप करती हूँ। अरे इसमें चैन नहीं है ना? हाँ फिर चैन कहाँ रखनी है? अंदर एक है ना। अब रमेश ये ड्रामा मत करना, अब चैन नहीं है कुछ। हाँ तुम ना दादा तुम्हारे ना ड्रामा ही नहीं खत्म होते। अब पॉकेट में जिप नहीं है, जो पसंद आ रही थी अब उसमें भी वो निकाल रहा है, इसे वापस प्रॉब्लम। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और होप करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद करेंगे आप लोग। तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।